हिमाचल प्रदेश में कोरोना के घटते मामलों को देख प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन मेलों के आयोजन की तैयारियों में जुट गई है। इसी के मद्देनजर बिलासपुर में आयोजित होने वाले नलवाड़ी मेले को लेकर बिलासपुर सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर मेले के सफल आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा की। गौरतलब है कि 17 मार्च से 23 मार्च तक बिलासपुर लोहनू मैदान में राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले का आयोजन किया जाता रहा है, मगर बीते 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते इस मेले का आयोजन नहीं किया गया, जिसके बाद अब कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार घटती संख्या को देख नलवाड़ी मेले के आयोजन का निर्णय लिया गया है। वहीं बिलासपुर उपायुक्त कार्यालय स्थित बचत भवन में बैठक के दौरान विधायक सुभाष ठाकुर ने मेले को लेकर बनाई गई कमेटियों के जरिए पीने के पानी से लेकर सफाई व्यवस्था को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश जारी किए हैं। बिलासपुर का राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला यह परंपरागत मेला है और यह ऐतिहासिक मेला भी है और हमारी संस्कृति कहलूर संस्कृति से जुड़ा हुआ मेला है। राजाओं के समय से इस मेले का आयोजन होता आया है, लेकिन बीच में कोरोना के कारण यह 2 साल मेला नहीं हो सका। इस बार इस मेले में लोगों को इंतजार भी है नलवाड़ का कि इस बार नलवाड़ होगा, लोग इंतजार भी कर रहे हैं। मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि बिलासपुर एडमिनिस्ट्रेशन, हिमाचल प्रदेश की सरकार और व्यक्तिगत रूप से भी और सभी विभागों की तरफ से भी यह एश्योरेंस भी मिली है और सभी लोग लगे भी हैं कि हम इस मेले को अपना मेला और यहाँ की संस्कृति से संबंधित मेला और इस नलवाड़ मेले में सभी लोग अपने अपने विभागों की तरफ से चाहे प्रदर्शनी होगी, चाहे रेसलिंग होगी, चाहे सांस्कृतिक संध्याएं होगी, इन सब के लिए एक अच्छे कार्यक्रम और सभी कमेटियों के साथ बातचीत करके जो कमेटीज फॉर्म हुई हैं इन सभी कमेटियों के माध्यम से बिलासपुर के लोगों की जो इस मेले में जो होना चाहिए वो चर्चा भी आएगी। तो यही एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत भी हुई है, यही सभी कमेटियों के जो कन्वीनर्स थे उनके साथ बातचीत होके निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा इस बार नलवाड़ी का मेला भी होगा, एक अच्छे माहौल में होगा और सभी चीजें एक आकर्षण का केंद्र भी होंगी जिसमें बच्चे, नौजवान, बूढ़े और खेल प्रेमी और बाकी जो नौजवान हैं हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित होंगी। निश्चित तौर पर मैं सबसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि सभी 17 तारीख को नलवाड़ मेले की शोभा यात्रा में भी आएं और इस मेले में भी आएं, आपका हम स्वागत भी करते हैं और जरूर इसका आनंद लें। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।